हमको फुटबॉल खेलते हुए सारे पाकिस्तानी दरिंदे ऐसा लगता कि परमात्मा ये कौन सा जन्म दे दिया। हमारे देशभक्त रक्षा सैनिकों की वो तो हमारी रक्षा में लगे, उनने किसका क्या बिगाड़ा था, लेकिन हमारे सामने देश के सैनिकों के सिर फुटबॉल की तरह लात मार करके पूरे देश को लज्जित करने का काम वो करते थे। पूरा देश हताशा से, निराशा से, गुस्से से देखता रह जाता था, लेकिन उसका बदला नहीं ले पाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब एक दल की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको घर में घुस करके उन आतंकवादियों के छक्के छुड़ा करके उनको एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान को आप चाहे जिस दृष्टि से देखो, लेकिन हिंदुस्तान और अपनी सेनाओं की, सीमाओं की और सैनिकों की रक्षा करना जानता है। हमको इस बात की प्रसन्नता है, एक बार नहीं दो दो बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर बार सेना के मान सम्मान का, देश के आत्मसम्मान का जब मौका आया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को सबसे पहले खड़ा होकर के देश का मान बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री के हम देश में रहते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और केवल एक ही क्षेत्र नहीं है, हमने देखा आजादी के बाद जब ये हिसाब लगाने लगे देश के लोग कि हाँ प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसे होना चाहिए, तो दूसरी बार फिर 2019 की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली। उनने एहसास कराया देश का उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सबको साथ लेके चलने का और सबके बीच विकास के मामले में मदद देने का डबल इंजन की सरकार का नारा आया। और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से एक के बाद एक हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। अब 14 से 18 या 19 तक की सरकार थोड़ी आत्मनिर्भरता की तरफ थी, लेकिन अब देश स्वाभिमान के साथ सरकार में जी रहा है। हमने सबने देखा कोविड का खराब समय, मुझे बालाघाट भी याद आता है, यहाँ पर भी हाहाकार मचा था, जान के लाले पड़े थे, ना दवाई का ठिकाना, ना मरीज का कोई संभालने वाला, और तो और भूले भटके मर जाए तो घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं, इतना डर का माहौल था। ऐसा बिल्कुल एक नई दुनिया में हम प्रवेश कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय भी निर्णय लिया कि कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि रोजगार धंधे बंद हो गए थे, कोई को आने जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे, देश में लॉकडाउन लगा करके उस समय ताली और थाली बजा करके देश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमको ताली और थाली के माध्यम से सावधान कर रहे थे। भारत सरकार जब चुनी जाती है तो लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के वोट से चुनी जाती है, उसकी जवाबदारी होती है, उसकी हिस्सेदारी होती है, वो सबके विश्वास की आशा और अपेक्षा के आधार पर होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन भी कराया लेकिन हजारों जान को बचाने का काम भी कराया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसके कारण से पूरे दुनिया में संदेश गया कि एक ऐसा इतना बड़ा देश, जिस देश की आबादी 142 करोड़, लेकिन ऐसे विविधता वाले देश में जहां रेगिस्तान है, सियाचान जैसी हड्डी जमाने वाली बर्फ है, सब मौसम अलग अलग प्रकार का, विविध प्रकार के फैले हुए भौगोलिक भूभाग में लोग, लेकिन हर व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार उनके साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश की सरकार भी बराबरी से खड़ी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं आया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मोदी जी के माध्यम से हमारे देश के स्वाभिमान के और हमारे देश के अंदर की कुव्यवस्था के, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामला आया, वो 3 तलाक के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये 3 तलाक मुस्लिम बहनों के जीवन में नरक का काम करेगा, उनकी जिंदगी असहाय बनाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर वो खराब कानून को
बदलने का काम किया कि तीन तलाक भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता है। तीन तलाक के माध्यम से कोई धर्म की बहने हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अगर किसी के जीवन में भी कष्ट आएगा तो माननीय मोदी जी वहां आगे खड़े होते हुए हमको दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी अभी चिल्लाने लगे थे भाई बहन कि पैसा नहीं है, एक ही बार सरकार बनाइए, आगे कहां से लाओगे। हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी योजना जिनके माध्यम से माताओं बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे, ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। ये आपके अपने इस छोटे से कार्यकर्ता का और प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है। मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहां जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी हमारे कांवरे जी कह रहे थे, कांवरे जी ने कहा कि ये आयुर्वेदिक के मंत्री थे, इनकी बहुत इच्छा थी, और यहां तो बालाघाट में पूरा वनांचल कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता है। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए। हमने सरकार के पहले अंतरिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहाँ पर 3 उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है, और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है। ये डबल इंजन की सरकार है। आप अभिनंदन करें अपने विकास कार्यों का, जरा आनंद आना चाहिए कि नहीं आनंद जाना चाहिए, जोरदार ताली बजा करके ये सारे होने वाले कामों में आप सहयोगी बने। जो काम हम कर रहे हैं जरा आप देखो तो सही, कौन कौन से काम है, 715 करोड़ के 29 नवीन निर्माण कार्य जिनके आधार पर मैंने भूमि पूजन किया, उसमें 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक मिरकपुर एक फैक्ट्री बनने वाली है, उसका भूमि पूजन हमने किया है। 300 करोड़ की लागत से गुडरू घाट, मैं आता हूँ पंडितों की नगरी से तो मेरे को गुरु जल्दी देखता है, लेकिन गुडरू घाट, ये गुडरू घाट में लगभग 300 करोड़ की लागत से इथेनॉल का नया प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ है, हम सब अभिनंदन करें इस बात का। 200 करोड़ की लागत से सिलिको फेरो अलाइज स्टील इकाई का निर्माण कार्य भी यहाँ शुरुआत की है। लगभग 12 करोड़ 51 लाख की लागत से कीनी, खुरमुंडी, अमई, कोचेवाई, बकोड़ा इत्यादि स्कूल, हाई स्कूल खोलने का यहाँ का भूमि पूजन किया। कौन कौन से विधायक के क्षेत्र में आता हाथ खड़े कर देना, बताते जाना, आपके इसमें भी आता है, बहुत अच्छा, ताली वाली बजा कर अभिनंदन कर सकते। 2 करोड़ 17 लाख की लागत से तिरोड़ी मलाजखंड शासकीय महाविद्यालय का आज यहीं पर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है।
इस अवसर पर चंदन नदी पर झालीवाड़ा मेहदुली मार्ग में 11 करोड़ 43 लाख की लागत से वाराणसी ने जोरदार अभिनंदन करे अपने इस नए निर्माण कार्य का। 20 करोड़ 42 लाख की लागत से, अब नाम पढ़ूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, विभिन्न ग्रामीण सड़कों का भूमि पूजन भी यहीं संपन्न किया है और 45 करोड़ की लागत से लगभग 45 विकास कार्यों का यहां पर आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 20 नल जल योजना। आप बताइए, हमारे भाई बहन गांव के अंदर वो नल से जल क्यों नहीं पी सकते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने निर्णय किया एक एक गांव में नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव के अंदर नल जल की इकाई स्थापित करेंगे। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर लगातार हॉस्पिटल की डिमांड है और हॉस्पिटल में लगभग 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों के 14 करोड़ 83 लाख की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने माननीय मोदी जी का और मध्यप्रदेश सरकार का, जिसके माध्यम से हॉस्पिटल की सुविधा हमको मिलेगी, हेल्थ की सुविधा मिलेगी। 6 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम भी आज लोकार्पित किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर कई सारे मामले आपको सामने बता सकता हूं और कोदो कुटकी के मामले में तो हमने सबसे पहली सरकार मध्य प्रदेश में गठित होने के बाद हमारे इस क्षेत्र की बेटी रानी दुर्गावती, जिसने जीते जी हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के माध्यम से की है। जोरदार अवंतीबाई और रानी दुर्गावती का अभिनंदन करें। अरे, जिनका अतीत हमारा गौरवशाली है, जिनने अपने जान की बाजी लगा दी लेकिन भारत माता का मान सम्मान में कमी नहीं आने दी। अकबर को एक बार नहीं, दो दो बार हराया, शेरशाह सूरी को हराया, लेकिन इस पूरे हमारे गोंडवाना बेल्ट में अपने स्वाभिमान के झंडे को गिरने नहीं दिया। उनके नाम पे स्वाभाविक रूप से हमने एक योजना चलाई है कि हमारी रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, इनके नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई। साथ ही साथ रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में एक नया विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने वाले हैं रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने महापुरुष हैं, प्रत्येक महापुरुष को स्मरण करते हुए अपने शासन के विकास कार्यों के साथ जुड़े और इन्हीं कामों के साथ आगे बढ़े। और आज का दौर अब क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? अभी अभी अयोध्या में आनंद आया कि नहीं आया? सबको बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इधर के लोग नहीं बोले, इधर की आवाज जोर से आ रही, जरा इधर भी देखता हूं, जय जय श्री राम। पीछे वालों की आवाज नहीं, बोलो जय जय श्री राम। इधर वाले आवाज दे जोर से, जय जय श्री राम। अरे भगवान, जय श्री राम। अयोध्या 17 लाख साल पुराना, वो राम रावण का युद्ध, कितना बड़ा रावण, जिसकी लंका भी सोने की, जिसकी ताकत भी अतुलित, और अपने आप में उस समय का वो जिंदा अपने आप को भगवान के समान मानता था। लेकिन धन्य हो सनातन संस्कृति और धन्य हो हमारी अपने हिंदू संस्कृति, जिनके बलबूते पर वनवासियों को साथ लेकर, आदिवासियों को साथ लेकर, अपने प्राणी मात्र से प्रेम करते हुए भगवान राम ने जिस प्रकार से राम रावण का युद्ध हुआ और माता सीता को वापस लेकर के आए और रावण को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया, भगवान राम ने किया। जिनका पूरा जीवन भगवान राम का जैसा पुत्र, भगवान राम का पुत्र दशरथ को मिलना, राजा दशरथ का जीवन धन्य हुआ। माता सीता को भगवान राम जैसा पति मिला, भगवान के उस जीवन से कौन सा संबंध पवित्र नहीं हुआ, किसका मान नहीं बढ़ा? आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शासक, वो शासक तो ऐसा शासक जिसने सबने सोचा अगर राज्य चाहिए तो राम राज्य जैसा चाहिए, राम राज्य की कामना सब करते हैं। भगवान राम राज्य की कामना करने का मतलब ही गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सवेरा लाना, उसके कष्ट मिटाना, देश को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाना,
सुव्यवस्था स्थापित करना, इतिहास, भूगोल, हर जगह सनातन संस्कृति के लक्षण दिखाई देना। लेकिन मित्रों, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश के आजादी तो 47 में मिल गई, लेकिन भगवान राम को भी अपने घर में आने में 70 साल लग गए। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है।